मैंने। राम राम, नमस्कार जी। अभी जो है हम पोरबंदर में दहगाम में है जी, देवराज के गांव में है जी, बीमा भाई के यहाँ पे। और यहाँ पे खड़े थे तो आपको टोपली दिखा देते, देवराज की जो माँ है। ये और हमारे बिम भाई है, बिम भाई आओ तो, अगर देवराज आया, अगर जडेजा सवदास जी, हाय थैंक यू जी, गुरु गुरु हाय थैंक यू जी। हमारा बीमा भाई से हमारा देवराज बहु नानो हो तो पहला तो विजय ओड़ेदरा हाय किशन लाल बिश्नोई जी, नमस्कार संदीप जी। तो मानो कौन से ब्यांत में है जी अपनी टोपली? हाँ, छठे ब्यांत में है जी इस बार, यानी कि छठी बार ब्याएगी और अभी 2-2.5 महीने लेगी शायद, 2.5-3 महीने है ना। हाँ, अभी से लेवटा बना रही है, लेकिन भीम भाई डर रहे हैं खिलाने से इसे कि भी ज़्यादा लेवटा बना देगी। एक हाथी है पूरा, पुराना महेश जी, राम राम जी, सोमा भाई राम राम जी। ये है जो ये देवराज के बाद जब हम आए, देवराज को जब लिया, तो ये देवराज के आगे बाद में मानो जब कटड़ी आई थी, ये टोपली की कटड़ी है जी, ये बिल्कुल सेम टू सेम है जी। फिर आगे मानो जो है इसके बाद ब्यांत आया इसका, तो हमने भीम भाई को बोला था कि भी इसे GLDB का जो कुशबुल है जी, कुशबुल का सिमन लगाना जी। और इस बार उन्होंने जब अगली बार जब लगाया था पिछली बार कुश का सिमन, तो इसमें एक कटड़ा आया था जी, जिसकी मदर टोपली है और फादर जो है वो GLDB का कुशबुल है जी। मतलब थोड़ा टेस्टिकल बहुत अच्छे है इसके, अभी से तैयार होगा बहुत अच्छा। तो आपको बताएं कि वो जो बुल है ये भीम भाई ने मानो फिर से LDF को दिया है जी। हमने ये नहीं बोलेंगे जी कि हमने लिया है, लेकिन भीम भाई का जो मानो दिल है कि भाई काम हो वो अच्छे से हो, मानो कितने में लिया ये नहीं बताएंगे, लेकिन बात ये है कि भाई आगे काम अच्छा हो इसका और सही से मानो इसकी चाकरी हो और आगे इसे बच्चे पैदा हो, तो ये ज़रूरी था। तो आज देवराज की सीमन लेके आए थे और आगे मानो ये बुल आज लिया है। बुल मानो इसलिए वही भैंस का लेने का सिलेक्शन का एक कारण ये है कि आज के दिन में इतना रूप है जो, इतना बॉडी स्ट्रक्चर है, इतना दूध है, ये शायद ही मानो हमने जाफराबादी में दिखा है जी। और यही लाइन अगर आगे जाएगी तो पशुपालन आगे आना है जी। तो बीमा भाई है अपने, राम राम बोलो बीमा भाई। हम आपको मानो पूरे LDF परिवार की तरफ से जी आपको मानो कि थैंक यू बोलते हैं जी, भी हमें फिर से तैयार करा है गियन गांबड़ो। हाँ, तुमने ये वाहर दिएगा, तुम्हें आपको हमारा गुजरात तैयार कर दियो ना। हाँ, पूरा गुजरात तैयार कर देंगे जी, सीमन मिले हमें रखिए तो हमारा गांव पूरा मिले। बिल्कुल नहीं जी, इसे पूरे इंडिया में चलाएंगे, लेकिन क्रॉस नहीं होने देंगे। तो आप सबको यही बताना था जी कि जो टोपली का जो बुल है जी, दूसरा बुल,
वो आज LDF ने परचेज कर लिया है जी। और जैसे देवराज का सीमन आज आपके पास आ रहा है, ऐसे मानो 2-3 साल बाद उस बुल का भी स्टार्ट हो जाएगा जी। आप सबको भी बधाई हो जी, धन्यवाद हो जी। हाँ जी, ये हमारे संदीप भाई है, ये भी साथ में है अपने दोस्त। बहुत ही मानो पशुपालन का बहुत मानो रस रखते हैं जी। आ जाओ संदीप जी सर। और मानो काफ़ी सारी जो भैंसे हैं इन्होंने ये खरीदी है जी अपने पास, अच्छी अच्छी भैंसे। संदीप भाई मानो कितनी भैंसे हैं अपने पास आज? 20 भैंसे हैं। और क्या क्या दूध वाली है जी? बस 10 लीटर, 7 लीटर से 10 लीटर एक टाइम का। और सबसे मानो ज़्यादा रकम देके जो खरीदी हुई कोई भैंस? 2 लाख तक की। 2 लाख तक की लेते हो जी? और इसमें क्या देखते हो जी जब लेते हो तो? बस जापरी जो हाइट बॉडी देखते हैं पहले। हाइट बॉडी देखते हो जी, ठीक है जी। और अब मानो सारी बफेलो जो है जितनी भी, उनको किस बुल से गाभिन करवाओगे? बस अभी तो देवराज ही है। ठीक है जी, चलो धन्यवाद जी, थैंक यू जी। हाँ जी।